नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन। दोस्तों, 20 अगस्त 2024 को देवगुरु बृहस्पति का मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को किन किन चीज़ों का कारकत्व प्राप्त हुआ है, जैसा कि शिक्षा का, वैवाहिक जीवन का सुख, संतान का सुख, धन वृद्धि, धर्म से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, बैंकिंग क्षेत्र से, फाइनेंस और लॉ, इन सभी चीज़ों का देवगुरु बृहस्पति को कारकत्व तो प्राप्त हुआ है। जो भी हम देखते हैं, संतान का सुख देखते हैं, तो बृहस्पति अगर अच्छे कंडीशन में है तो मान लीजिए आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है और उस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपने भाव में विराजमान है, जैसा कि सेवंथ हाउस में। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ विराजमान है उन भाव से आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उनसे जुड़े आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो आप कुंडली देख रहे हैं वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए है, ये आप ही की कुंडली है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके सेवंथ हाउस में विराजमान है वृषभ राशि के साथ में। तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार से नहीं होगी। साथ ही बता दें कि व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगा आपको। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके सेवंथ हाउस में रहेंगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, ऊपर से केंद्र में विराजमान हैं और सेवंथ हाउस में, तो आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखदमय रहेगा और आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के जो पांचवी दृष्टि है वो एलेवंथ हाउस पर जा रही है। एलेवंथ हाउस होता है अपना लाभ का, लाभ का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके कार्य में लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर कोई भी इच्छा है तो कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होते हुए नज़र आएगी। तो ये चीज़ें वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो इलेवंथ हाउस पर जा रही है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो सीधे जा रही है आपके लगन पर। तो दोस्तों, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी तो अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, कोई बड़ी इशू नहीं होगी। लेकिन खाने पीने पर यहाँ पर मोटापा देखने को मिल सकता है, मतलब आप थोड़ा सा खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति मीठे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीठे से आपको बचना है, अन्यथा मोटापा आपका बढ़ता ही जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका स्वभाव सही रहेगा, कार्य भी अच्छा रहेगा, जो आप चाहते हो वो भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो थर्ड हाउस पर जा रही है। तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, अगर आप ऑनलाइन से जुड़े कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े कार्य करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े कार्य करते हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप राइटर भी हैं तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही बता दें कि अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे, आपका कार्य अच्छा चलेगा, संघर्ष कम करना पड़ेगा और लाभ ज़्यादा
देखने को मिलेगा। कभी कभी हमारा समय इतना बुरा चलता है कि हम कितना भी मेहनत कर लेते हैं लेकिन मुनाफा उस हिसाब से नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो भी मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक मार्केटिंग से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही बता दें कि यहाँ पर थर्ड हाउस हमारा होता है संघर्ष का, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम में संघर्ष भी करेंगे, ये नहीं कि आलसी हो जाएंगे, ध्यान देंगे अपने काम में। तो जब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।